हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा पटेल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो इन पीओपी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस। मतलब कि हम कोई भी प्रॉब्लम जब हम प्रोग्रामिंग करते वक्त सॉल्व करते हैं तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वो सब पार्ट्स को सॉल्व करके हम बड़े से बड़ा फंक्शंस सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जो पीओपी में स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं उसको फंक्शंस कहा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम जो स्मॉल पार्ट्स बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं और इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। पीओपी है वो टॉप डाउन अप्रोच है, वेयर एज ओओपी है वो बॉटम अप अप्रोच है। देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन पीओपी। और ओओपी में तीन स्पेसिफायर्स आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है और हमें कोई न्यू डेटा या फिर न्यू फंक्शन ऐड करना हो तो वो भी इजी नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल भी है और हमें कोई फंक्शन या फिर न्यू डेटा ऐड करना हो तो वो भी इजी पड़ता है। ये अनरियल वर्ल्ड बेस्ड है, जबकि ओओपी है वो रियल वर्ल्ड में ज़्यादा यूज होता है। जबकि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ओओपी में ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और डेटा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन फंक्शन। इन पीओपी इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, सो इट इज लेस सिक्योर। एग्जाम्पल सी लैंग्वेज, पास्कल, फोर्ट्रान ईटीसी। पीओपी लैंग्वेज इसके एग्जाम्पल है सी, पास्कल, फोर्ट्रान, और इसमें डेटा हमें एनकैप्सुलेट नहीं करने पड़ते और ये थोड़ा सा इसमें क्वाइट डिफिकल्ट भी है, तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम डेटा हाइड कर सकें, इसलिए ये लेस सिक्योर है। जबकि ओओपी है उसमें हम डेटा हाइड भी कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी हमें ओओपी में मिल जाती है, सो वो प्रोसीजरल प्रोग्राम से ज़्यादा सिक्योर है। एग्जाम्पल लैंग्वेज इज पाइथन, जावा, सी शार्प एंड सी प्लस प्लस।